निमावर में नर्मदा नदी का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बरगी तवा डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से अभी भी 2 फीट ऊपर बह रहा है। नर्मदा में मिलने वाली जामनेर नदी में पानी कम होने से बाढ़ की अभी स्थिति कम बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्कता बनाए हुए है। जिले के कलेक्टर SP ने भी निमावर में आकर आपदा बचाव का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडे, SP चंद्रशेखर सोलंकी, खाते गांव SDM शोभाराम सोलंकी, तहसीलदार अलका एका सभी मौके पर मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है। कलेक्टर SP के सख्त निर्देश अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी लापरवाही नहीं बरते, उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर अरविंद परमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। नेमावर के बाढ़ग्रस्त कुछ वार्डों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर उनके भोजन पानी दूध की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षकों द्वारा महिलाओं बच्चों को गाइड किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि नर्मदा इस समय खतरे से 2-3 फीट ऊपर चल रही है, क्या व्यवस्था प्रशासन की, जिला प्रशासन की, यहाँ पर आप यहाँ पर आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जैसा आपको मालूम है, खातेगांव में पिछले 3 दिनों में लगभग 18 सेंटीमीटर बारिश हुई है और उसी के कारण नर्मदा जी में जो खतरे का निशान है उससे ऊपर नर्मदा जी बह रही हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने, मैंने और SP साहब ने आज यहाँ का भ्रमण किया है। हमारी पूरी व्यवस्थाएँ चाकचौबंद हैं। जिन गांवों की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है उन गांवों पर विशेष रूप से हमारी निगाह है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम नागरिकों को तकलीफ़ ना हो, उन्हें पानी, भोजन, दूध, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मुहैया कराई जाएँ और उनसे लगातार संपर्क रखा जाए। डॉक्टर्स की भी टीम हमने यहाँ लगाई हुई है और आज SP साहब और मैंने भोपाल स्तर पर चर्चा करके SDRF की भी एक टीम विशेष रूप से बुलाई है। उसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग आने वाले 24 या 48 घंटों की के लिए चिंतित हैं और वो जो टीम है उसमें हमारी बोट्स भी आ रही हैं और उनके जो एक्सपर्ट स्विमर्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं कि अगर कहीं रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो वो हम कर सकें। सर, आज बोट के द्वारा भी आपने कहीं भ्रमण किया गया है नर्मदा? हाँ, हम लोग वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए बोट से गए थे और हमारा उद्देश्य यही था कि जो लोगों को, जिन गांवों में हमने नीचे से ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारे रेवन्यू ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारा जो कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। कंट्रोल रूम में हमारे दीगर विभागों के अधिकारी भी हैं। MPB को हमने निर्देशित किया हुआ है। फूड की हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, जनपद की हमारी टीम है और सारे पुलिस ऑफिसर और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरह से 24 घंटे इस काम के लिए तैयार है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।